ने हमारे सारे कपड़े फाड़ दिए। ठीक है, अब धीरे 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 समय बढ़ता हुआ चला गया, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने 9 महीने। अब जब बालक पैदा होने का समय आया, चारों तरफ से आंधी तूफान आया, बिजली चमकने लगी, आकाश की तरफ से चारों तरफ कोहराव मचने लगा। जब कोई कपूत बेटा पैदा होता है तो असगुन दिखाई देते हैं, जब हमें कोई अच्छा बेटा पैदा हो तो सपने में अच्छे सपने दिखाई देते हैं। असगुन लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, असगुन हो गया, कुछ असगुन नहीं हुआ। ये समझ लो तुम्हें एक संकेत हो गया कि हमेशा आगे ना जा रहे हो, थोड़ा सोच समझ के फिर से काट लेना। सांप रास्ता काट गया, कोई असगुन नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा असगुन होता क्या है? अगर पति छुट्टी पे घर आए और छुट्टी काट के जब नौकरी पे जाए तब पत्नी रोए तो समझ लो बहुत बड़ा असगुन है। कभी भी रोना नहीं चाहिए है? आपने देखा होगा, ये मालूम है आज छुट्टी खत्म, कल हमारे भौजी या कोई भी सही नौकरी आए, कल जाएंगे आते ही वही बोलिए तुम्हारी से तुम चले जाते हो, फिर पूरा घर वाला सब खाए हुए फोटो। हमें एक एक्सीडेंट देखे, बस स्टैंड पे खड़े थे, पता नहीं कहीं जा रहे थे कि कहीं से आए थे, एटा की बात नहीं, तो आगे भाई सीट पे एक भाई साहब बैठे और एक बहन जी नीचे खड़ी थी, तो खिड़की खोले अब बेहू हुए हैं और बेहू नीचे खोले हैं, तो तब तो हमने नहीं दी, जब गाड़ी चली तो वे देख रहे जो ले देख रही नहीं तो नहीं, अब आंसू आंसू देख रहे, लेकिन आंख ही ना भेजे साड़ी बहुत चल रही, मैं तो जाने मांडे खाड़ में कर लोग भैया जी कोई तुम्हारी बड़ी विडंबना है कि देखो भाई पूछ रहे भैया जी कोई जी कोई नहीं नहीं कोई संकट में कुछ करता है, अरे मेरी पत्नी थी मैंने कि जो थोड़ी कह रहे तुम्हारी पत्नी नहीं और भाई की तुम्हारी है भाई ने लेकिन रोए क्यों भाई ऐसा कुछ बहुत मुझे मानती है भाई साहब मुझसे जब तक फोन नहीं कर लेती है वो तब तक खाना नहीं खा तो हमें लेकिन अच्छी बात है लेकिन हमेशा ध्यान रखो जब भी पति नौकरी पे जाए बड़ी हंसी खुशी से विदा करो, भगवान से विनती करो हे भगवान मेरा पति परदेश में जा रहा है इसकी रक्षा करना इसकी सहायता करना, बोल कन्हैया लाल की।